गाइज कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल दिव्या खटीक व्लॉग। तो गाइज आज क्या आप लोगों ने जा रहा है, आज व्लॉग ये होने जा रहा है कि मैगी की रेसिपी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि कैसे, मतलब मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ, बस एक मतलब मैगी बना के दिखाऊंगी कि मैं कैसी मैगी बनाती हूँ, कैसी लग रही है टैमी को और आंटी को, कैसी मैगी लगेगी और फिर व्लॉग बन जाएगा मेरा। मैं मैगी बनाना बताऊंगी, ठीक है। रेसिपी शेयर करती हूँ मैं मैगी की, जो भी है मेरी मैगी कैसी बनेगी कैसी नहीं, ठीक है मैं आपको दिखाती हूँ अभी। चलो चलते हैं मैगी किस तरह। तो गाइज ये थोड़ी सी मैंने मटर ले ली है, बारीक बारीक मटर है, ये देखो ये छोटी छोटी मटर है, ये मटर है और ये गाजर है, ये प्याज और हरी मिर्च और ये मैगी है हमारी, 1 2 3 4 5 मैगी है। दिखाती हूँ आपको मैगी बनाना। तो गाइज देखो ये मैंने पानी लिया है थोड़ा सा, ये थोड़ी सी मटर उबल जाएंगी ना वरना कच्चे रह जाएंगे, मटर मैंने लगे थे पानी में, वैसे तो बारीक ही है मैगी। और ये भी गाजर भी इसमें गिर दी, गाजर भी इसमें गिर दी, ये भी उबल जाएंगी थोड़ा सा। तो देखो हमारे ये उबल चुके हैं, उबल गए मेरे मटर, अब इसको मैं कर दूंगी गैस पर, ये वाला गैस जला लूंगी, इतने वो होता रहेगा, ठीक है। तो एक तेल गिर रही हूँ मैं, सरसों का तेल है ये। वाओ तेल गर्म हो रहा है गाइस, तेल गर्म हो रहा है, देखिए। तो उसके बाद मैं ये प्याज का गेर रही हूँ, दूर हट जा ना, फिर साथ में मैं ये गेर दूंगी हरी मिर्च हो जाएगी। अब इसके वो गोल्डन ब्राउन होने का वेट करूंगी। हो चुकी हैं, अब मैं इसमें ये डाल दूंगी, ये उबल गए हैं। इसमें ये थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, अब मैं इन्हें मसाले डाल रही हूँ, ये मैगी मसाले जो आते हैं, ये देखो ये कैसा लग रहा है। और मैं थोड़ा सा ये मसाला गिर दूंगी, मीट मसाला, थोड़ा सा पानी गिर के मैं इस मसाले को मैं कर रही हूँ, भून रही हूँ मसाले को, पानी डाल के स्वाद अनुसार मैं नमक डाल दूंगी। ये रहा, कम नहीं रहेगा नमक, देख नमक डालनी है इसमें। अब मैं ये मैगी डाल दूंगी, देखिए ये डाली दे दी है मैगी इसमें, और इसमें एक कप पानी, अब दे दिया एक कप पानी डाल दूंगी इसमें, किस किस का मैगी पसंद है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। पानी मुझे कम लग रहा है तो इसलिए थोड़ा तो आधा ये और गिर रही हूँ। इसको डीप करने दूंगी, डीप कर दूंगी, अभी धीरे धीरे करके हो जाएगा। तो गाइस देखो मेरी मैगी कुछ ऐसी हुई है,
अब इसको थोड़ी भाप में रख दूंगी। देखो अच्छी लग रही है देखने में। अब इसके ऊपर थोड़ा धनिया पत्ता दे दूंगी, धनिया की पत्तियाँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी मैगी बनी है, दिख रही होगी आप लोगों को। गाइस मेरी मैगी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।